तो एक दिन एक आदमी कंस्ट्रक्शन एरिया पर काम कर रहा था, तभी उसको जोरों से प्यास लगने लग जाती है। इसके बाद वो आदमी अपना काम छोड़ के पानी पीने के लिए किसी होटल की तरफ निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसको एक खतरनाक से सुपर कार देखने को मिल जाती है। और इस कार को देखने के बाद में उसको याद आता है कि मेरे लड़के ने भी मुझसे कहा था कि पापा आप मुझे ना सुपर कार दिलाना। लेकिन वो आदमी ना बहुत ज्यादा गरीब था, वो किराए के मकान में रहता है। इसके बाद में वो भाई आसमान की तरफ देखता है और वहाँ पर प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे भी एक सुपर कार दिला देना मेरे लड़के के लिए। और कुछ समय के बाद में वहाँ पर रात हो जाती है, तो वो आदमी अपनी स्कूटी पे बैठता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। और थोड़ी देर के बाद में वो आदमी अपने घर पहुँच जाता है और कमरे में जाके सो जाता है। रात की 2 बजे और जब वो सो रहा था तभी उसको बाहर कुछ गिरने की आवाज आती है, तो वो जल्दी से उठता है और बाहर चेक करने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है तभी उसको एक बड़ा सा कंटेनर देखने को मिल जाता है, तो फिर क्या भाई वो उसको खोलने लग जाता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है उसके सामने सुपर कार आ जाती है। शायद भगवान ने उसकी सुन ली।